अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो असल में बात यह है कि हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे बेटा सेकेंड ईयर एस पसिंग टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5, और हमने एमसीक्यू नंबर 1 कर लिया था। दिस इज़ पार्ट 2 या रिमेनिंग पार्ट ऑफ एमसीक्यूज़ पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, हमने 1 कर लिया था, हमने 2 कर लिया था, हमने 3 कर लिया था। और 4 की जहाँ तक बात आई थी, 4 में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो सवाल दोबारा से देख लो बेटा। अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू फ्रॉम विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एज एट द टिप ऑफ अ स्टेम और रूट। ठीक है जी, तो यानी कि वो जो टिप पे वो जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनता रहता है, फिर वो डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें, यानी कि जो मोस्ट मेच्योर फेस है उसकी हाइट इंक्रीज होती रहती है, तो वो जो टॉप स्टेम होता है उसको हम लोग मेरी स्टेम कहते हैं। ठीक है जी, आपको मैं इस हिसाब से बताता हूँ कि ये ज़रा आप देखिएगा, डायग्राम पे नहीं जाना बेटा, ये ज़रा ग्राफिक टेबलेट में अच्छी नहीं बनती, वैसे भी अच्छी नहीं बनती मुझसे तो। अब जैसे ये स्टेम है, ठीक है जी, बहुत माशाल्लाह सुनहरी स्टेम बनाई सर आपने। तो ये स्टेम का वो रीजन है जहाँ पे ग्रोथ हो रही, जाहिर सी बात है इसी रीजन में ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, यानी कि अनडिफ्रेंशिएशन जो एरिया है इन सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होती रहेगी, तो ये वाला एरिया फिर क्या कहलाता है, मेरी स्टेम। ठीक है जी, क्या कहलाता है ये, वी मॉ कभी ऐसी भी राइटिंग हो जाती है, मेरी स्टेम हो गया। ठीक है जी, तो ये जो अनडिफ्रेंशिएशन से डिफ्रेंशिएशन की तरफ बढ़ा तो ये अपाइकल मेरी स्टेम भी कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा और क्या चीज़ है बेटा हमारे पास। अगला सवाल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर आप जज्बाती हो गए, आगे बढ़ गए। जी अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है हमारे पास, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ फेजेस इन प्लांट्स। बेटा सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ पूछा है प्लांट्स में, क्या होता है बेटा। पहला ऑप्शन है इलोंगेशन, फिर फॉर्मेशन, फिर मेच्योरेशन, सॉरी इलोंगेशन फॉर्मेटिव फिर मेच्योरेशन। ऑप्शन बी है मेच्योरेशन पहले होती है, फिर इलोंगेशन होती है, फिर फॉर्मेशन होती है। ज़बरदस्त सर। ऑप्शन सी है फॉर्मेटिव मेच्योरेशन या इलोंगेशन, या ऑप्शन डी फॉर्मेटिव इलोंगेशन या मेच्योरेशन, सोचो ज़रा। अपने पास रिमाइंड करो अपने दिमागों में अपने दिलों में, तो सोचो पहले फॉर्मेशन होगी, फिर एलोंगेशन होती है, फिर मेच्योरेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, फॉर्मेटिव एलोंगेशन देन मेच्योरेशन। ठीक है जी, क्योंकि ए जो है अच्छा जो सी है पहले तो फॉर्मेशन है, लेकिन उन्होंने मेच्योरेशन को सेकंड पे कर दिया। फर्स्ट इज़ फॉर्मेटिव फेज, सेकंड इज़ एलोंगेटिव फेज, थर्ड इज़ मेच्योरेशन फेज। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सवाल है वो है बेटा, ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज द सेल्स बिकम इनलार्ज्ड। इलोंगेशन फेज में सेल्स इनलार्ज्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ड्यू टू ट्रांसपरेशन प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस प्रेशर, टर्गर प्रेशर, या बोथ बी एंड सी। बेटा ट्रांसपरेशन को तो हटा दो, वो अलग फिनोमिन है, डी हो नहीं सकता, बोथ बी एंड सी, क्योंकि बहुत फ़र्क है दोनों में। टर्गर प्रेशर टर्जिडिटी की वजह से जो प्रेशर बनता है सेल्स, आप कह सकते हो इनसाइड द सेल्स ऑफ प्लांट्स विच हैव सेल वॉल इन देम विच इज़ देयर मेन करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है जी, तो जो सेल वॉल होती है उसमें टर्गर प्रेशर क्यों बढ़ता है, पानी अंदर आने की वजह से सेल्स इलोंगेट होते हैं, सही जी, साइज बढ़ता है, लार्ज होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है टर्गर प्रेशर कहलाते हैं, टर्जिडिटी सख्ती रिजिडिटी को भी कहते हैं। बी जो है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस अलग है बेटा, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, इसको अगर आप मिटा दो। ठीक है जी, देखो यहाँ पे हमारे पास एक है बेटा सेल, ठीक है जी, इसमें पानी अंदर आया, यहाँ लिखो आप वाटर, ग्राफिक टेबलेट को देखो तो वहाँ मिस हो जाता है, वहाँ देखो और क्या उसमें लैपटॉप पे देखो तो वो फिर अलग पंचायत है। देखो बेटा इसमें पानी अंदर आया इस सेल में, तो क्या हुआ बेटा, पानी जब इसके अंदर आया तो उसकी जो सेल वॉल है, ये आपको पता है बेटा आउटर मोस्ट बाउंड्री, मुझे हंसी आ रही है बनाते हुए, आ रही कैसे बना रहे। ठीक है जी, समझ जाओ तुम लोग, तो क्या हो गया फिर बेटा, ये हो गई टर्जिड हो गई, ये हो गई आपकी, शुक्र है फॉन्ट सही था तो एक स्माइली भी बन गई, ये जो टर्जिड बनी बेटा। ठीक है जी, तो पानी अंदर आया तो उसमें टर्जिडिटी इंक्रीज हुई थी, उसकी वजह से टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ। ठीक है जी, तो उसी वजह से सेल्स क्या हो गए, पहले इस साइज का था तो थोड़ा सा अब क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, तो उसका ऑप्शन, उसका आंसर क्या था, टर्गर प्रेशर।
ठीक है जी, ये है हमारी लैंग्वेज में। अच्छा, जो दूसरा होता है बेटा वो होता है आपका प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। सेल में से पानी चले गया, ठीक है जी, सेल का वाटर कंटेंट कम हुआ, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड मीडियम। तो सेल का साइज़ क्या हो गया बेटा, फॉर एग्जाम्पल सेल श्रिंक कर गया। इस श्रिंक कंडीशन को याद होगा आपको, हम लोग फिर सोल्यूशन का हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या नाम था बेटा, सर आप इतना स्लो क्यों लिख रहे हैं, सॉरी यार ज़रा प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है जी, जिसके वजह से शेल, सॉरी शेल नहीं, सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है जी, तो वो फिर कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। अब आ जाओ ऑप्शन की तरफ बेटा, ऑप्शन 9 का सी है, सी है टर्गर प्रेशर। अब सवाल नंबर 10 है बेटा, ड्यूरिंग विच फेज द एलोंगेटेड सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू परमानेंट सेल्स। किस कौन से फेज में जो सेल्स में एलोंगेशन होती है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन की बात करी नहीं है, एलोंगेशन की बात करी, उसके बाद उन्होंने फ्यूचर की बात करी, जो सेल्स एलोंगेटेड हो गए अब वो परमानेंट बन जाते हैं। तो एलोंगेशन फेज के बाद पता है बेटा आप लोगों को कौन सा फेज आता है, तो उसका आंसर क्या है बेटा, फॉर्मेटिव फेज की बात नहीं है, पिछला नहीं पूछ रहे, बी हो नहीं सकता क्योंकि बी बी के बारे में तो बता रहे हैं, सी हो नहीं सकता, बहुत ए एंड बी, डी बचता है ना, ऐसा कर लिया करो कभी। ठीक है जी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये तो खैर ऐसी थोड़ा सा चेंज था क्या कहते हैं सोचने का अंदाज, सो वो इसलिए बता दिया। मैच्योरेशन फेज है बेटा सिंपल, मैच्योरेशन फेज में जो सेल्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो उसका की पॉइंट आपको क्या पता चला मैच्योरेशन फेज का, क्या था, परमानेंट वंस द सेल्स विच हैव बीन एलोंगेटेड चेंज इनटू परमानेंट सेल्स। थोड़ा सा इसको ऊपर करो, हमारे पास और स्पेस है अभी इसमें। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क ऑप्टिमली इन बिटवीन। बेटा एंजाइम्स, एन का मतलब एंजाइम्स का मतलब यीस्ट, फ्रीडरिक विलहेल्म कोहने इन द ईयर 1878 आई थिंक, ठीक है जी, इन्होंने टर्म कॉइन किया था एंजाइम्स का। और एंजाइम्स वो बायो कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग फिजिकली एंड केमिकली चेंज्ड। वी कैन सर्वाइव विदाउट एंजाइम्स, यस या नो, कैन वी सर्वाइव, यस वी कैन, आई आई नो के मोस्ट ऑफ देम, सॉरी मोस्ट ऑफ यू गाइस आर थिंकिंग कि सर आपने यस क्यों बोला, कैन वी सर्वाइव विदाउट एंजाइम्स, यस, लेकिन पूरी बात तो सुन लो, वी कैन सर्वाइव विदाउट एंजाइम्स, बट जो मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि मगर द केमिकल रिएक्शंस वुड अकर वेरी स्लो टू सपोर्ट लाइफ, जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना स्लो हो जाएगा कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक इंसान सर्वाइव कर सकता है, लेकिन को कुछ टाइम बहुत कम टाइम होता है और बायोलॉजी में बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है जी, अब तुम समझ जाओ तुम लोग इस बात को। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं बेटा वो किस रेंज ऑफ टेम्परेचर में सबसे बेस्ट काम करते हैं, ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट है, ठीक है जी। तो बेटा रेंजेस दी हुई यहाँ पे टेम्परेचर्स की सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में 25 to 37 डिग्री सेल्सियस, 35 to 45, 5 to 20 या 10 से 25। तो इसका आंसर है बेटा ए, इसको आपको याद करना है, 25 to 37 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि बेटा बी बहुत आगे की कहानी है, सी में तो है ही नहीं, वो जो हम लोग पढ़ते हैं इंसान का भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो ऑप्शन ए है उसी रेंज में है, मतलब उसी रेंज से मुराद 35 37 डिग्री सेल्सियस, 37 बेस्ट है, ठीक है जी, टी भी नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा ए ही बचता है, बी करीब था लेकिन बी 35 से बहुत आगे चले गए 45, ये तो फिर 40 37 से अब 40 41 ये सब तो फिर डेंजरस हो गए ना इंसान के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है जी। तो बेटा इसका आंसर है ए, 25 to 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा हमारा वो है, एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स ड्यू टू, जब हाई टेम्परेचर होता है जो ग्रोथ का रेट होता है वो स्टॉप हो जाता है, ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपरेशन, एंजाइम लॉस, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द चॉइसेस आर इन इनकरेक्ट। जरा देखिए बेटा, ये थोड़ा समझदार है, जो टेम्परेचर जब हाई होता है तो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का जो रेट होता है बेटा वो स्टॉप हो जाता है, क्यों, एंजाइम लॉस की वजह से, एक्सेसिव ट्रांसपरेशन की वजह से, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द चॉइसेस आर इनकरेक्ट। सोचो जरा, जब जब ग्रोथ स्टॉप हो रही है
तो उसका ताल्लुक ट्रांसपरेशन से है क्या? यस या नो? तो जब ट्रांसपरेशन का मतलब होता है कि ये प्रोवाइड करता है कूलिंग अफेक्ट इन द प्लांट्स, ठीक है जी, कूलिंग अफेक्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेसिव ट्रांसपरेशन भी डेंजरस है। वो हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 में, उल्टे लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखा हुआ है ट्रांसपरेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपरेशन इज़ कंसिडर्ड एज नेसेसरी इविल। नेसेसरी क्योंकि ये कूलिंग अफेक्ट प्रोवाइड करता है, एक्सेस वाटर चलेगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है जी। और इविल इसलिए क्योंकि एक्सेसिव ट्रांसपरेशन जो है वो प्लांट्स को मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लीथल है, फेटल है, डेडली है, ठीक है जी। और जो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो अब ज़रा देखो कि क्या आंसर है, ए बी या सिर्फ बी और या सी। डी तो हटा दो, अब हम लोग देखते हैं इसमें आंसर। आंसर की में सी है, ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। तो आपको बात समझ में आई? मैंने सॉरी बहुत जल्दी दिखा दिया, ये रहा बेटा सी। ओ देखो नीचे, मैं इसका भी फॉन्ट अगर बड़ा कर दूं, कभी कभार इसको देख लेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। जैसे वाला सवाल था इनकरेक्ट चॉइस, तो ये ज़रा तुम लोगों को याद होने चाहिए ऐसे सवाल ना, कैसे भी कभी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ट्रांसपरेशन भी और एंजाइमेटिक लॉस का मतलब है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम भी ग्रोथ पे बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है जी। अच्छा सवाल नंबर 17, इन प्लांट्स रेड लाइट फेवर्स इन प्लांट्स, एक सेकंड पहले सर उसको ऊपर कर लें। इन प्लांट्स रेड लाइट फेवर्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स, मेच्योरेशन ऑफ सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स या डिवीजन ऑफ सेल्स। तो ज़रा देखिएगा क्या है बेटा इसका आंसर, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर है ए, जो रेड लाइट होती है वो इलोंगेशन को फेवर करती है, शायद मैंने अपने लेक्चर में बताया था, ठीक है जी। और मुझे याद पड़ा है मैंने बताया था शुरू के लेक्चर्स में। अच्छा जी, इन प्लांट्स रेड लाइट फेवर्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, जनरली लाइट इन्फ्लुएंसेस, आमतौर पे जो लाइट का इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ पे वो किस तरह होता है बेटा? उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, क्वालिटी, उसका ड्यूरेशन या ऑल ए बी सी, ए बी एंड सी सॉरी। तो इसका आंसर क्या है बेटा? डी है। इंटेंसिटी भी हमने पढ़ी थी, इकोसिस्टम के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। क्वालिटी भी हम क्वालिटी का भी अफेक्ट होता है, इंटेंसिटी का भी होता है, ड्यूरेशन का भी होता है, ठीक है जी। फोटो पीरियडिज्म के अफेक्ट चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है जी। तो और चैप्टर 3 में भी। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंज्यूम्स, ऐसा एक मेटाबॉलिक पाथवे या एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं कि यार वेस्टफुल प्रोसेस है, एक ये ऐसा की पॉइंट है जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज का, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के हिसाब से राइट साइड ऑफ द पेज में एज पर इन टेक्स्ट बुक बोर्ड एक टॉपिक है जिसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है जी। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है? उलट काम करते हैं। आमतौर पे प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंज्यूम्स, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे, और कोई भी एटीपी, ग्लूकोज कोई भी ज़रूरी काम नहीं कर रहा। देखो ना क्या लिखा, जेनरेट्स नो एटीपी एंड डिक्रीजेस फोटोसिंथेटिक आउटपुट। बताओ ज़रा, जो ग्लूकोज है वो भी कंज्यूम कर लिया और नया भी नहीं बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिन की रोशनी में रिलीज कर दी और ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, बताओ ज़रा। तो इसको कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो का मतलब ही यही है। बच्चे सवाल पूछेंगे, सर मेरी बात सुने, कार्बन डाइऑक्साइड आपको किस पागल ने बोला कि रिलीज नहीं करते प्लांट्स? रात में करते हैं ना, तो ये रात और दिन के फड्डे को करने के लिए, इसलिए फिर मैंने आपको लाजमी बता दिया फोटो दिन, मतलब फोटो मतलब दिन नहीं, लाइट, ठीक है जी। रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है जी। अब ये क्यों होता है, क्या सेटअप है, रुबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है जी। तो वो सब चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 13 में इसकी पढ़ेंगे, गैसेज एक्सचेंज की, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, द इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, सो सॉरी सो सॉरी, क्या लिखा है बेटा? द इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट्स की ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? एक सेकंड, पहले तो ये हटा दूं, ये डी के बाद दोबारा ए क्यों आ गया भाई? इसको अल्लाह हाफिज करो। सही, उफ एडिटिंग को तो अजीब हो गई है।
अच्छा जी, हार्मोन्स जीन्स बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? इंटरनल फैक्टर्स याद करिए बेटा, मैंने आपको बताए थे जब कंडीशंस ऑफ ग्रोथ पढ़ा रहा था, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बताए थे, इंटरनल फैक्टर्स भी बताए थे, उसमें दोनों चीज़ें आ गई बेटा, हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी हैं और जीन्स भी हैं, डी हटा दो, नन ऑफ दीज तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिलेटिव इफेक्ट्स, आप लोग याद करिए बेटा ग्रोथ कोरिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट्स इन प्लांट्स इज मॉर्फोजेनेसिस, अपाइकल डोमिनेंस, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन। याद करिए ग्रोथ कोरिलेशन में मैंने आपको बताया था इनहिबिटरी इफेक्ट, मैंने आपको बताया था कंपनसेटरी इफेक्ट्स, और इसमें मैंने जिक्र किया था अपाइकल बट का जो सबसे टॉप की जो कली होती है, और फिर मैंने जिक्र किया था उसके साथ साथ ही उसी टॉपिक में लेटरल बड्स का भी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट को रिलेटिव इफेक्ट्स, को रिलेशन का जब भी जिक्र आ जाए तो लेटरल बड या अपाइकल डोमिनेंस की बात होती है। याद है मैंने उसमें बताया था जब अपाइकल डोमिनेंस हो रही होती है तो जो ग्रोथ होती है लेटरल बड्स की, लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, वो क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। इसी को मैं आपको बताता हूँ एक, ओहो डायग्राम से समझाते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखो ज़रा, मैंने आपको बताया था कि ये जब ग्रोथ होती है अपाइकल बट की ऊपर वाली, अच्छा लेटरल कहते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, फॉर एग्जाम्पल ये वाली कली है, ठीक है जी, लेटरल अवे फ्रॉम द सेंटर, मीडियल टूवर्ड्स द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है ना, ये सेंटर है, ठीक है जी, ये भी अवे जा रही है, तो इनकी जो ग्रोथ होती है रिड्यूस कह लो, क्योंकि अभी अपाइकल डोमिनेंस हो रही है, अभी काम ऊपर चल रहा है, एरो नीचे का मतलब आपको क्या सिखाया आपके सर ने बेटा, रिड्यूस कम होना, अपाइकल डोमिनेंस की जो अपाइकल डोमिनेंस है ये अभी अपने उरूज पर है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर इसको क्या कर दो बेटा, इसको अगर आप कर दो कट, ठीक है जी, उसके बाद फिर जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग अभी आगे एमसीक्यू में उसका सवाल है इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, उस इफेक्ट को डैश इफेक्ट कहते हैं, तो उसके बाद इनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है बेटा, होना शुरू हो जाती है, या तो इंक्रीज बोल दो या इंड्यूस बोल दो, ठीक है जी, ये जो लेटरल बर्ड्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहलाती हैं आपकी, ओहो बहुत गंदी राइटिंग हो गई है, ये कहलाती हैं आपकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, ठीक है जी, इनको हम लोग कहते हैं लेटरल बड्स, ठीक है जी, इनकी लेबलिंग हो गई है, बात समझ में आई? अच्छा जी, तो 22 का है बेटा बी, बी फॉर अपाइकल डोमिनेंस है यहाँ पे, मतलब इसका आंसर। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, द रिमूवल, अरे वही आ गया सवाल, द रिमूवल ऑफ एपेक्स, एपेक्स का मतलब मैंने आपको भी बताया ये वाला रीजन है बेटा, सही है जी, एपेक्स, एपेक्स को बायोलॉजी में आपको पता है क्या कहते हैं, टॉप, द रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेज द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम अपाइकल डोमिनेंस, इट इज नोन एज, कौन सा इफेक्ट कहलाता है बेटा? कंपनसेटरी इफेक्ट, ठीक है जी, कंपनसेट हो गया, रिमूव कर दिया ना, तो नीचे वाली जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएगी, उस इस इफेक्ट को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट जब अपाइकल डोमिनेंस अपने उरूज पर होती है, लेटरल बर्ड्स अपने जवाल पे तो नहीं अच्छा लगेगा वर्ड, जब वो बेचारी डिक्रीज हुई भी होती है उनकी ग्रोथ, ग्रोथ कोरिलेशन यही कहलाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग करते हैं थोड़ा सा उसको ऊपर करने के बाद जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश द मिनिएचर्स, मिनिएचर से मुराद यहाँ पे जो बहुत यंग डेवलपिंग सीडलिंग है, सीडलिंग मतलब वो यंग प्लांट, द मिनिएचर्स यंग प्लांट या सीडलिंग कम्स एंड एंटर द सेकेंड फेज। अच्छा बेटा अब जरा देखो उसको, यहाँ पे दो इसके आंसर्स हैं, ठीक है जी, ऐसा पहला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो सीडलिंग है, जो यंग प्लांट है, वो दूसरे फेज में एंटर हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है ज़रा पढ़ो, फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन आपको पता है बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स या गैमिट्स, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब इसको ना वहाँ रख के चेक करो, अगर मैं ऐसा पढ़ूँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मिनिएचर सीडलिंग कम्स एंड एंटर द सेकेंड फेज दैट इज डेवलपमेंट फेज। अब ज़रा दूसरा देखो, ये एक अगर पहला ही अच्छा लगे तो उस पर मत इन्हें सारे डिपेंड करना, सारे ऑप्शंस को फिट करके देखना, ठीक है जी।
फिर अपनी नॉलेज को टेस्ट करना। ऑप्शन बी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मिनिएचर सीडलिंग कम्स एंड एंटर द सेकेंड फेज क्लीवेज। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात हो रही है सेकेंड फेज की, यानी कि फर्स्ट फेज, फर्स्ट लेबलिंग है। फर्स्ट फेज को अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे होगा फर्स्ट फेज, कहाँ गया माउस, ये रहा, तो सेकेंड फेज ये होगा। सेकेंड फेज हमें पता लगाना है और फर्स्ट फेज भी। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फेज पूछा है, सेकेंड और थर्ड या थर्ड दिया और सो ऑन नहीं पूछे। ठीक है जी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, क्या ये सही लगता है आपको बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, नंबर सी देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द मिनिएचर सीडलिंग कम्स एंड एंटर द सेकेंड फेज, दैट इज ग्रोथ फेज। या ऑप्शन डी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज द मिनिएचर सीडलिंग कम्स एंड एंटर द सेकेंड फेज, डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन है ना सही वाला, तो सोचो ज़रा क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है जी, मैं अपने आप को भी टेस्ट कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, टीचर है यार, गलती हो जाती है। 24 का ला करे सी हो, हाँ सी। ठीक है जी, ये रहा सामने आपके सी, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है जी, अब सर कैसे पता लगा आपको? एक ट्रिक थी माइंड में की पॉइंट्स के हवाले से। देखो, मिनिएचर सीडलिंग, मिनिएचर सीडलिंग से मुराद है यहाँ पे अभी ये वो पूरा प्लांट में डेवलप हो रहा है। तो आप लोग जब पढ़ोगे ना जर्मिनेशन का टॉपिक चैप्टर 4 में, तब भी आपको मैं की पॉइंट्स बताऊंगा। तो वो जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ की पॉइंट्स बताऊँ। तो मिनिएचर सीडलिंग का जब भी वर्ड आ रहा हो, तो जर्मिनेशन की बात हो रही है, या यंग प्लांट या सीडलिंग। ठीक है जी, जैसे लीव्स का, जैसे फॉलीएज का जिक्र आ रहा है, तो लीव्स की बात होती है। बताया आपको, फॉलीएज का मतलब होता है यंग लीव्स, या डेवलपिंग लीव्स, या फर्स्ट लीव्स, शुरुआत के जो पत्ते होते हैं। ठीक है जी, तो मिनिएचर सीडलिंग है, और यहाँ पे सीड नहीं है, यहाँ पे सीडलिंग है, यंग प्लांट की बात हो रही है, उसमें जर्मिनेशन हो रही है। तो जर्मिनेशन के बाद उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो ऑप्शन सी, सी में है जर्मिनेशन कॉमा ग्रोथ। सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस, या फिर सीक्वेंस पूछ लिया, और द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन हो गई और क्लीवेज हो गई, अपनी उन्होंने मनमानी करी, फर्टिलाइजेशन करी और क्लीवेज करी, मनमानी से मुराद एकदम से उन्होंने इसके बाद का सीक्वेंस पूछ लिया। ठीक है जी, तो अब क्या करेक्ट सीक्वेंस हो गया? लेट मी रिमाइंड यू, फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज के बाद ऑप्शन ए गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ। जरा देखो, गैस्ट्रुलेशन याद होगा आपको, एक्टोडर्म, यानी कि वो जो जर्मिनल लेयर्स का बनना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है बेटा, बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के एंड में सिस आ रहा हो, SIS, तो बड़ी बाजी नहीं होती, वो होती है, वो होता है प्रोसेस। सिस का मतलब है प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस या ग्रोथ। ऑप्शन बी है, ऑर्गेनोजेनेसिस पहले हो गई, फिर गैस्ट्रुलेशन हुई, ग्रोथ हटा दो, ये तो है ही नहीं सर, अजीब पागलपन है। ऑर्गन पहले बन गए, जर्मिनल लेयर्स बाद में बन रही हैं, ये तो हटा दो। फिर सी देखो, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमने पढ़ा था मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, याद करो। तो ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टोसील बनने के बाद ही तो क्या होती है सर, गैस्ट्रुलेशन होती है। सी हटा दो। डी देखो जरा, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन, मॉड्यूलेशन तो हमने सर पढ़ा ही नहीं। ठीक है जी, वो हटा दो, मॉड्यूलेशन नहीं है सर। तो बचा क्या सर हमारी आखिरी उम्मीद? गैस्ट्रुलेशन होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, फिर उनकी, उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। तो 25 का ऑप्शन है ए। 26, इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, तो आपको फौरन ठक करके याद आ जाएगा सर, ऑप्शन डी पे जल्दी से टिक करें, क्लीवेज। ठीक है जी, दैट चेंजेस जायगोट, जो जायगोट को तब्दील कर देता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। 27, 26 का डी, डी फॉर यहाँ पे है क्लीवेज। 27, सेल डिविजन्स, माइग्रेशंस एंड री अरेंजमेंट्स, सेल डिविजन का होना, उनकी माइग्रेशन होना, उनका री अरेंजमेंट होना, प्रोड्यूस थ्री जर्म लेयर्स इन डैश, कौन से फेज? बेटा जर्म लेयर्स का टॉपिक आ जाए तो समझ जाओ ना ए ना बी, वो ऑप्शन है सी, गैस्ट्रुलेशन। याद है आपको गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन, जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, मीजो, एंडो। सवाल नंबर है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, द एग ऑफ हैन इस कौन सी टाइप? याद करो बेटा, सॉरी, ए लेसिथल, म्यू लेसिथल, मीकोलेक्टल, सॉरी मीजोलेक्टल, या डी पॉलीलेसिथल। तो बेटा ऑप्शन आपको याद होगा, पॉलीलेसिथल टाइप, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ योक।
क्वेश्चन नंबर 29, इन इन हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अच्छा बेटा ये वाले जो सवाल है ना, ये जिन बच्चों ने चैप्टर 4 एमकेट में नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, आप लोगों ने थ्योरी क्लास में तो पढ़ा होगा ना। आप लोग चैप्टर नंबर 4 में फौरन फौरन रिमाइंड करो, इस गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक, जिसमें लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे था आपका, पहले आई थिंक सो था स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर था राइट साइड ऑफ द पेज पे ऊजेनेसिस, डायग्राम दोनों की लेफ्ट साइड पे थी। ठीक है जी, तो याद करो बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है जी, स्पर्मेटेट, फिर स्पर्म्स। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन हैन हैन मेड एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। एग जो होता है, जो ओवरी से रिलीज होता है, वो बेटा प्राइमरी ओसाइट बन के निकलता है या सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है जी, तो वो प्राइमरी ओसाइट है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन देख लेते हैं, 29 का ऑप्शन ए। जो जो मैं जिनके कीज से बता रहा हूँ ना बेटा, प्लीज़ ये मत समझना कि मुझे नहीं आते, तफरी की बात है वो तो, खैर आप लोगों को चिल करने के लिए बेटा, जाहिर सी बात है इतने भी वो नहीं है कि आप लोगों को अल्लाह ना करे कोई गलत बताएं, बस ये होता है कि ताकि जो मैं कीज़ बता रहा हूँ स्पेशली ये याद रहे तुम लोगों को, इनको तो ज़्यादा फोकस करना, ताकि ये ज़्यादा याद रह जाएंगी, ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, ये याद रह जाएंगी इंशाल्लाह। 29 का ए हो गया सर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, इन हैन द एग इज़ फर्टिलाइज्ड। हैन में जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी ओसाइट बन के, सेकेंडरी ओसाइट बन के, आउटबिट या बोथ ए एंड बी। प्राइमरी ओसाइट के बाद जब वो सेकेंडरी ओसाइट बनता है तब वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, यहाँ पे वो मतलब वही बात है कि जो फेट है, जो डेस्टिनी वही होता है। तो इसका आंसर है बेटा सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट जो होती है वो स्टेज होती है जहाँ पे जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट आपको पता है, फिर उसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ें हैं आपको करनी है, 30 का बी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाओ ज़रा बेटा, ये क्या है, ये कुछ आर्ट्स का जिक्र है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक द फर्टिलाइज्ड एग इज लेड डैश आर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो बेटा चिक की बात करें हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ चिक हमने पढ़ा भी कुछ टाइम मतलब कुछ लेक्चर्स पहले, तो हमने क्या, हम मैंने शायद उसमें जिक्र किया था, नहीं किया था, मैंने बताया था कि मैं आपको हैंडआउट भी दूंगा, हैंडआउट भी इंशाल्लाह आप लोगों का कल से पूरा फाइनली बना दूंगा, एडिट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कल रात तक मैक्सिमम मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूँ, बहुत से बहुत परसों, थोड़ा सा वेट कर जाना बस। तो बेटा क्या लिखा है, बेटा फर्टिलाइज एग जो ले होता है वो कितने घंटों बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स बाद जो फर्टिलाइज एग होता है वो ले हो जाता है। ठीक है जी, इस सवाल में और अगले सवाल में बड़ा अच्छा एक रिलेशन है। 32 सवाल क्वेश्चन नंबर 32 चेक करिए, आफ्टर डैश डेज ऑफ इंक्यूबेशन, आपको पता है ना बेटा वो जो हीटिंग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट होती है, लास्ट का स्टेप है बिल्कुल। ठीक है जी, तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेटरी पीरियड होता है, आफ्टर डैश डेज ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के कितने दिन बाद द चिक फाइनली बिगिंस इट्स स्केप फ्रॉम द शेल। वही हैचिंग की, हैचिंग को उन्होंने स्केप बोल दिया, परेशान नहीं होना भाई कि वो स्केप फ्रॉम एल्केट्रास की तो बात नहीं हो रही मूवी की, सही है जी। तो क्या लिखा हुआ है बेटा कि वो जब फाइनली जब वो एग से हैच अपनी वो जो जेल में जो बनता बेचारा वो जो निकल रहा है, तो वो इंक्यूबेशन के कितने दिन बाद होता है बेटा। तो ऑप्शन डी देखो क्या है, 16, 19, 20 या 21, ऑप्शन डी देखिए 21, तो 21 डेज का ही पूरा समझो आप कह सकते हो कि उसकी पूरी डेवलपमेंट उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका ऑप्शन है डी। 31, 32 के आंसर चेक करो, 31 का ए, 31 का ए, 32 का डी, 32 का डी, 21 डेज। अच्छा अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन विच ओनली पार्ट ऑफ द ओवम इज डिवाइडेड इन टू सेल्स। ऐसा पैटर्न क्लीवेज का जिसमें ओवम का सिर्फ एक पार्ट में डिवीजन होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट क्लीवेज। याद है मैंने आपको बताया था बेटा इनकम्प्लीट क्लीवेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क तक जो क्लीवेज है, जो सेल डिवीजन है वो महदूद है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है जी, एंड इज यूजुअली ऑब्जर्व इन एम्ब्रियोस विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ योक, पूरी जगह तो योक ने घेरी होती है, तो अब क्लीवेज बेचारा कहाँ पे होगा, तो क्लीवेज बेचारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कहाँ तक, सॉरी अच्छा ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क तक। तो ऐसी क्लीवेज का इन्होंने यहाँ पे एक और नाम पूछा है, अरे सॉरी तो अजीब सा हो गया, यहाँ पे तो डिस्कॉइडल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो मीरोब्लास्टिक भी लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो सब का मतलब एक ही है सर,
तो क्या चीज़ लिखी है बेटा, उस पैटर्न को हम लोग उसका एक ब्रॉड टर्म है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज भी डिस्कॉइडल क्लीवेज भी। तो उसका आंसर दोनों है, और मतलब ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34, द डिवाइडेड जर्मिनल डिस्क ऑफ अ मेगालेसिथल एग फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेल्स। देखो इसमें की पॉइंट में हाईलाइट कर देता हूँ, इतना अजीब सा सर। अरे कोई टेंशन नहीं यार, ये देखो ना, मेगालेसिथल का मतलब पता है आपको बेटा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ योग है, और जर्मिनल डिस्क आपको पता है बेटा कहाँ पे होती है, ये जो लेयर फॉर्म होती है, ये जो लेयर है ना, ये की पॉइंट है। इसको मैं बोल्ड लेटर्स में कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। लेयर का मतलब आ जाओ तो समझ जाओ सर, ब्लास्टोडर्म की बात हो रही है। ब्लास्टोसिस्ट हटा दो, ब्लास्टोसील तो वो थी, वो तो क्लीवेज में, सॉरी वो तो मोरेला के बाद ब्लास्टुला, उसमें एक कैविटी बनती है। बोथ ए एंड सी नहीं है, ब्लास्टोडर्म, डर्म का मतलब स्किन लेयर है, याद है मैंने आपको बताया था बेटा, वो जो लेयर बनती है उसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। क्वेश्चन में थर्टी सिक्स है बेटा हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन में 36 है बेटा, वन ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विस्टेड कॉर्ड्स, ट्विस्टेड का जिक्र आ जाए, इसको अंडरलाइन करो। कॉर्ड्स, अम्बिलिकल कॉर्ड का मैंने किसी चीज़ को जब एग पढ़ा रहा था उसको मैंने तशबीह या रिजेम्बलेंस दी थी। ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन याद करो, बाहर वाली लेयर, बाहर वाला एरिया, सॉरी वाइटिश पार्ट फाउंड एट, जिसमें एल्बुमिन आपको पता है ये एक इट सेल्फ एक प्रोटीन है, फाउंड एट ईच एंड ईच ऑफ एन एग ज्वाइनिंग द शेल मेम्ब्रेन टू द योक एंड सपोर्टिंग द योक सेंट्रली विद इन द शेल। ओ हो, की पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लिख लो, अंडरलाइन करने में और टाइम लग जाएगा। ट्विस्टेड को अंडरलाइन करो, कॉर्ड्स को करो और सेंट्रली को करो। ट्विस्टेड को करो, कॉर्ड्स को करो, और बल्कि मैं कर देता हूँ ताकि यार आप लोग के लिए आसानी हो जाए, मेन मकसद ही है ये। देखो ये की पॉइंट है, ये रहा एक ट्विस्टेड, एक आ गया आपका लवला करे, ये कॉर्ड्स, उसके बाद है आपका एक योग को सेंटर में रखने में के काम आता है, याद है बेटा। तो ये क्या है बेटा, याद करो, ये चेलेजा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है बी, चेलेजा। और क्वेश्चन नंबर 37, द सेंट्रल रीजन ऑफ ब्लास्टो डिस्क इज नोन एज। अच्छा ये मैं आपको कुछ बा, बा, जब आप लोग पढ़ो ना तो उसको ज़रूर पढ़ना, एरियाज हैं, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो पूछना, आप लोगों के उसमें तो ज़रूर मैं दूंगा कि उसमें इस चैप्टर के स्पेशली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट ऑफ चिक है उसका जब हैंड आउट दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा एरिया पेलोसिडा, एरिया ओपेका, ठीक है जी, कुछ एरियाज होते हैं, तो चाहो तो उसको छोड़ दो, वरना वैसे इसका आंसर है एरिया पेलिस्यूडा, क्वेश्चन नंबर 37 का। द रीजन जो सेंट्रल रीजन होता है ना ब्लास्टो डिस्क का, उसका एरिया, वहाँ पे एरिया होता है, वो जो फ्लूइड मीडियम होता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिया पेलिस्यूडा, क्वेश्चन नंबर 37 का ए। ठीक है जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 का ए। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 38 पे, एनिमल्स बिगिन देयर लाइव्स एज अ सिंगल डिप्लॉयड सेल। एनिमल्स जो हैं बेटा वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयड सेल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं, और ए बी एंड सी कहते हैं, जायगोट भी कहेंगे, एम्ब्रियो भी कहेंगे, गैस्ट्रुला भी कहेंगे। तो बेटा इसका जब बिगनिंग की बात आ जाए ना, तो जायगोट, ठीक है जी, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, वो है आपका जायगोट। ठीक है जी, 38 का ए, तो ऑप्शन देख लीजिए 38 का ए। ठीक है जी, तो ये बिगनिंग की बात आ जाए तो समझ जाओ जायगोट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स टू अटेन मेच्योरिटी। ऑर्गन्स का साइज बेटा इंक्रीज होना मेच्योरिटी की तरफ, मेच्योरिटी हासिल करने के लिए, उसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं, ग्रोथ, सिंपल ऑप्शन है, उसको बायोलॉजी में क्या कहते हैं बेटा, ग्रोथ, ऑप्शन सी। नंबर 4 है बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म सरफेस, ब्लास्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं वो सरफेस की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं पोस्टीरियरली एंड मीडियरली, पीछे और बीच में, एंड इनवॉल्यूट टर्न इन इन्वेजिनेशन अलोंग अ लाइन कॉल्ड द, अब अच्छा जब सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म माइग्रेट, ये जो पूरा है ना, ये पूरा सेंटेंस है, ये इंपॉर्टेंट, सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म सरफेस माइग्रेट का जिक्र हो रहा हूँ, चाहे पोस्टीरियो इन मीडियली नहीं भी लिखा हुआ, और अलोंग अ लाइन लिखा हुआ आ रहा हूँ, तो अलोंग अ लाइन लिखा हुआ आ रहा हूँ, तो याद करो उसका ऑप्शन क्या था बेटा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती, याद है। ठीक है जी, और एक और भी है इसका, मैं बताना भूल गया,
टर्न इन इन्वेजिनेशन, मैंने आपको बताया था बेटा। तो जब इन्वेजिनेशन से जो लाइन बनती है, जो स्ट्रीक बनती है, उसको पिरामिडल स्ट्रीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम द एपिब्लास्ट, अ ग्रूव इज फॉर्म नोन एज, वो जो ग्रूव बनता है माइग्रेशन से। देखो, जब फिर माइग्रेशन का जिक्र आ गया, तो ये देखो माइग्रेशन का जिक्र आ गया, ठीक है जी। तो एक ग्रूव बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे दो ग्रूव हैं, एक है न्यूरल ग्रूव, एक है आपका प्रिमिटिव ग्रूव। अच्छा, 41 का बी ज़रा चेक करिएगा बेटा, कैसे सर आपको रटे हुए, रटे हुए की बात नहीं है। देखो, इन्होंने यहाँ पे कोई न्यूरल क्रेस्ट का, नर्वस सिस्टम का जिक्र नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स बोला है, ठीक है जी। तो सिर्फ वो जो ग्रूव बनता है, जो गढ़ा बनता है पिरामिडल स्ट्रीक के साथ, वो कहलाता है पिरामिडल ग्रूव। क्या कहलाता है वो? पिरामिडल ग्रूव। अच्छा, अब देखो उसको बेटा क्या है, जी क्वेश्चन नंबर 42 है द हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट याद है ना, जो नीचे वाले जो जो जर्मिनल सेल्स हैं, जो आपके जो एंडोडर्म होते हैं, ठीक है जी। द हाइपोब्लास्ट इज, अरे मैंने पूरा ही बता दिया, सो सॉरी। द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रीजम्प्टिव। प्रीजम्प्टिव का मतलब है, हम लोग कहते हैं ना यार, आप प्रिज्यूम कर लो, ठीक है जी, आप अज्यूम कर लो, वही शायद वही बोलते हैं, प्रिज्यूम या अज्यूम, सॉरी, ठीक है जी। तो क्या चीज़ है बेटा, द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्प्टिव, प्री पहले, तो यानी कि जो एंडोडर्म है, जो हाइपोब्लास्ट है, वो हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर का एंडोडर्म है, ठीक है जी। तो उसका आंसर क्या है, हाइपोब्लास्ट का जिक्र आ जाए तो समझो एंडोडर्म की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 43, द मेम्ब्रेन कंसिस्ट कंपोज ऑफ एक्टोडर्म एंड सोमैटिक मेसोडर्म। ओहो, याद है मैंने आपको प्लस करके दिखाया था बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टोडर्म, वो छोड़ दो सोमैटिक है या नहीं है, अगर एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म है तो समझ जाओ सोमैटोप्ल्यूर बनती थी, याद है, ये रहा उसका ऑप्शन सोमैटोप्ल्यूर, जो कि आगे जाके सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती है, या लिखा हुआ भी है सोमैटिक, तो उसका ऑप्शन है ए, सोमैटोप्ल्यूर। क्वेश्चन नंबर 44 है, अरे यार एक तो ये बड़ा मसला, द सेल्यूलर लेयर कंसिस्ट ऑफ स्प्लैंकटिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है जी। अब आ जाओ जरा, द कॉम्बिनेशन ऑफ ये आ गया आपका, पूरा लिखा हुआ, पूरा आंसर भी सामने स्प्लैंकटिक लिख दिया ना सवाल में, ठीक है जी। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, याद करिए मैंने क्या बताया था बेटा आपको, इज नोन एज स्प्लैंकनोप्ल्यूर। यहाँ पे स्प्लैंकनोप्ल्यूरिक है, एक ही बात है, जो आके जाके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती है। अगर आप बोलो कोई मसला नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो सर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, सुकून से पढ़ो, इस लॉकडाउन को गनीमत जानो और सुकून से तैयारी करो, ठीक है जी। ये मैंने बनाया था, उसके बाद फिर मैंने ठीक है जी, और बस कुछ ऐसे ही डायग्राम है, बस समझ जाओ। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये जो बाहर वाली जो लेयर थी वो थी एक्टोडर्म, फिर ये थी मेसोडर्म, ठीक है जी, और ये आपकी एक और थी, चलो मेरी तरीके से डायग्राम बना ही देता हूँ भाई, ये अंदर वाली थी एंडोडर्म, ये जो बाहर वाली थी एक्टो प्लस मेसो, ये थी सोमैटोप्ल्यूर, समझ जाओ, ठीक है जी। और ये जो मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म का जो कॉम्बिनेशन था, ये था आपका कहलाता था स्प्लैंकनोप्ल्यूर, स्प्लैंकनोप्ल्यूर, ठीक है जी। अब हम जाते हैं एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर अब हमारा होगा 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है बेटा, द लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू शीट लाइक लेयर्स, दैट इज सोमैटिक मेसोडर्म एंड डैश। ओह सॉरी, तो इतना अजीब सा सवाल, देखो इन्होंने यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ किया, लेटरल प्लेट अभी क्या होती है, सिंपल सी बात याद रखो बेटा, आसान लफ्ज़ों से बता देता हूँ। देखो मेसोडर्म है, वो डिफ्रेंशिएट करिए टू शीट लाइक लेयर्स में, एक तो उन्होंने सोमैटिक मेसोडर्म अभी पिछले ऑप्शन में आपको बता था, एक बनती है सोमैटिक मेसोडर्म, दूसरी कौन सी बनती है, स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। तो ऑप्शन कौन सा सामने आपके गिवन है, ऑप्शन सी, ठीक है जी, स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 50, इन 24 आवर्स चेक, 24 घंटे के चेक में जो एम्ब्रियो है उसका, द फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट आर क्लियरली विजिबल,
एट दिस स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड, देखो न्यूरल प्लेट आ जाए और तो जिक्र हो रहा है कि मतलब इन शॉर्ट जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल क्रेस्ट होता है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है जी, जो न्यूरल ग्रूव है, तो ये सब न्यूरल न्यूरल का जिक्र आ जाए तो समझ जाओ इस स्टेज पे जो एम्ब्रियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोला, क्योंकि वो टॉपिक का यार नाम है याद है आपको बेटा, मोरूला हटा दो, ब्लास्टोला नहीं, ब्लास्टोसिस्ट नहीं है, तो बचा भी ऑप्शन वैसे भी कौन सा, न्यूरोला, तो सॉरी न्यूरल, क्योंकि इस स्टेज के एम्ब्रियो को हम लोग कहते हैं न्यूरोला, ठीक है जी, या न्यूरल भी कह सकते हैं, और प्रोसेस का नाम था न्यूरलेशन, अच्छा जी, जिसकी स्पेलिंग में मैं आगे पीछे हो गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा, अ ट्यूब ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड बाय अ थिकनिंग एंड रोलिंग अप ऑफ द न्यूरल प्लेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक न्यूरोलेशन, इट विल लेटर फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एनिमल, दिस इज कॉल्ड, उफ अल्लाह क्या चीज़ है सर ये, अ ट्यूब, देखो फॉरन पकड़ लो, अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें यार सर वो न्यूरल ग्रूव है, क्योंकि बेटा यहाँ पे डिप्रेशन का, गढ़े का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे जिक्र हो रहा है पहले ही दूसरा वर्ड पढ़ लो ठक करके, इसलिए कहता हूँ की पॉइंट्स को इसलिए अंडरलाइन करवा रहा हूँ, यकीन मानो ये तुम लोगों के ज़रूर काम आएगा, इंशाल्लाह ये तुम लोगों के बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। न्यूरल ट्यूब का जिक्र आज है, जाहिर सी बात है सर इसका ऑप्शन क्या है, न्यूरल ट्यूब, पहले पूछ लिया इन लोगों ने कि यार एक ऐसा ट्यूब जो कि फॉर्म होता है बाय द थिकनिंग एंड रोलिंग अप ऑफ द न्यूरल प्लेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक न्यूरोलेशन, और ये जो ट्यूब होता है वो आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, तो याद है न्यूरल ट्यूब जो आपको मैंने जिक्र किया था, न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड। अच्छा जी, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम जीन्स बाय अ सेल विच आर नॉट एक्टिवेटेड बाय अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो के मतलब वो कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर जाते हैं, सॉरी वो कुछ जीन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते, उनको एक्टिवेट करना, एक्टिवेशन मतलब उनमें इस तरह का प्रोसेस होना जो कि उसको एम्ब्रियो को पूरा फर्दर डेवलप करने में, जर्मिनल लेयर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाने में काम आता है, आज ही हमने उस टॉपिक का नाम, आज ही हमने वो लेक्चर हमने उसको देखा, सेल डिफ्रेंशिएशन, उसको क्या कहते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन, तो ये जो जब भी जिक्र आ जाए ना इसमें एक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कुछ ये मतलब ये जीन्स को, कुछ जीन्स ऑफ एम्ब्रियो को इस तरह एक्टिवेट करवाते हैं कि इसमें फर्दर क्या हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जो नहीं कर पाते उनमें जो एक्टिवेशन जिन सेल्स में जीन्स की, स्पेसिफिक जीन्स की जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंशिएशन के लिए वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, तो उनमें सेल डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाती, सिंपल, ठीक है जी, और इसलिए कह रहा हूँ बुक से वाला टॉपिक पढ़ना और अच्छा मज़ा आएगा, समझ में आएगा उसका, 52 का सी है बेटा, व्हेन द प्रिमिटिव स्ट्रीक रीचेस इट्स मैक्सिमम लेंथ, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक अपनी मैक्सिमम लेंथ तक पहुंच जाती है, द सेल्स ऑफ द मोस्ट एंटीरियर रीजन, एंटीरियर रीजन सर, प्रिमिटिव स्ट्रीक का मैंने कुछ बताया था कि जो एंटीरियर सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रिमिटिव स्ट्रीक का इंटीरियर रीजन क्या कहलाता है, ठक करके बोल दो सर ये क्या बात हो गई, तो चैप्टर 3 के सवाल आ गए और ऑप्शन आ गए, सॉरी श्वान्स नोड, और श्वान सेल होता है बेसिकली, नोड ऑफ रेनवियर, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है सर, बचा क्या, हैंसन्स नोड, प्रिमिटिव नॉट भी जिसको कहते हैं, याद आया बेटा आपको, प्रिमिटिव नॉट, तो उसका आंसर है सी, हैंसन्स नोड, ऑप्शन बी टिक कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बेटा मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 56, द कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ कैप इन एसिडब्यूला, ठीक है जी, एसिडब्यूलर, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है जी, एसिडब्यूलेरिया बल्कि सा था, सॉरी एसिडब्यूलेरिया कर दो उसको, आई ए, एसिडब्यूलेरिया इज थ्रू प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंस, जो डेवलपमेंट होती है अगर मैं बात करूँ एसिडब्यूलेरिया के कैप की, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एसिडब्यूलेरिया एक की पॉइंट है, फौरन ठक करके माइंड में सोचो कि रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस में पढ़ा था या रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट पढ़ा था, तो उसका ऑप्शन फौरन आपको आ जाएगा बेटा, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट में हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था एसिडब्ल्यूरिया के बारे में, तो इसका ऑप्शन है ए, न्यूक्लियस, ग्रे क्रिसन का जिक्र आया आता तब आता फिर वो साइटोप्लाज्म, और अच्छा जी कुछ अब आसान है बेटा इसमें क्या है, पहले मैं चेक कर लूँ, अच्छा सही ठीक है, 57 वाला जो है बेटा वो जरा देखो क्या लिखा हुआ है, द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय रिप्लेसिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम विद द न्यूक्लियस ऑफ अ बॉडी सेल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म,
क्या कहलाते हैं बेटा, ये क्लोनिंग है या नहीं है? भाई देखो ना, इसमें आइडेंटिकल कॉपी का जिक्र है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी का जिक्र है और रिप्लेसिंग द न्यूक्लियस का जिक्र है, तो ये सब आपको याद दिलाएगा क्लोनिंग की। सॉरी, ये क्लोनिंग कहाँ से आ गया एकदम से? अरे यार, वो असल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है ना, और इसमें रीजेनरेशन का भी थोड़ा एबनॉर्मल डेवलपमेंट सॉरी एबनॉर्मल डेवलपमेंट में कुछ बीमारी को भी जिक्र करेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं हो ना, ये सब आ गया था तो मैंने ऐड कर दिया था इसमें। ठीक है जी, मतलब ये माइंड में आ गया था, और जहाँ से मैं मतलब चीज़ें कंपाइल करता हूँ ना, तो वहाँ पे भी गिवन था। ठीक है जी, तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। सिंपल, द स्टडी ऑफ डीजेनरेटिव डिजीजेस, सॉरी द स्टडी ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस, माई मिस्टेक, इन एजिंग। तो एजिंग के साइंस को सिंपल, उन्होंने एजिंग का पूछा है, तो डीजेनरेटिव से परेशान नहीं हो जाना। एजिंग का जिक्र है तो समझ जाओ जिरोन्टोलॉजी की बात हो रही है, एजिंग का जिक्र आया तो समझ जाओ जिरोन्टोलॉजी। ठीक है जी, द साइंस ऑफ स्टडिंग एंड ट्रीटिंग मेल फॉर्मेशंस एंड मॉन्स्ट्रोसाइटीज, या सॉरी, या मैंने क्या बोल दिया, तौबा, मॉन्स्ट्रोसिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो जो मॉन्स्ट्रिज्म हो जाते हैं, जो मॉन्स्टर्स बन जाएँ, साइज के बड़े हो जाते हैं, एबनॉर्मल जो इंक्रीज इन साइज हो जाता है, या उसके बाद या मेल फॉर्मेशन या एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसकी पूरी स्टडी की साइंस को हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं? टेराटोलॉजी। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी में? टेराटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 60 है, द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब बाय एबनॉर्मेलिटीज, दीज एबनॉर्मेलिटीज आर ड्यू टू, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, उसको कोई उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से। ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह क्या होती है बेटा? एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर, यूवी रेडिएशंस, ये ऑल ऑफ दीज है ना बेटा, क्रोमोसोम के चेंज नंबर में चेंजेस की वजह से भी हो सकती है एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स की वजह से भी हो सकती है एबनॉर्मेलिटीज। ग्लैंड्स का मतलब है टू मच सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कॉजेज जाइगेंटिज्म। एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम। यूवी रेडिएशन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, म्यूटेशन बहुत हो जाती है, तो ऑल ऑफ दीज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 है प्यारे बच्चों, इन बर्ड्स एंड मैमल्स रीजेनरेशन इज मोस्टली लिमिटेड टू द स्मॉल वूंड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टिश्यू कॉल्ड डैश। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में रीजेनरेशन जो होती है बेटा, वो स्मॉल वूंड्स की हद तक लिमिटेड होती है, और उसकी वजह से जब रीजेनरेशन हो रही होती है, तो जहाँ पे वूंड होता है उसके ऊपर एक स्कार आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से सॉरी, एक टिश्यू आ जाता है, उसको हम लोग स्कार कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 62 है बेटा, नोटोकॉर्ड इज फॉर्म, दरवाजा बंद करो बेटा, नोटोकॉर्ड इज फॉर्म फ्रॉम, नोटोकॉर्ड किससे बनती है बेटा? इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेंसन्स नोड। ठीक है जी, इसको और ऑप्शन को वो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 62 का। ठीक है जी, 62 का डी, ठीक है जी, 62 का डी, हेंसन्स नोड से ही नोटोकॉर्ड बनती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 63 है बेटा, कंडीशन इन विच हार्ट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। तो बेटा राइट साइड है और हार्ट की बात हो रही है, तो समझ जाओ डेक्स्ट्रोकार्डिया की बात हो रही है, तो उसका ऑप्शन है बी, डेक्स्ट्रोकार्डिया, हार्ट ऑन द राइट साइड। तो उसका क्या है बेटा, आप लोग सबको ये सब पता ही है, माशाल्लाह से मुझे पता है, बस इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि कभी कभार ऐसे पढ़ाने भी मज़ा आता है, ऐसे से मुराद ये है कि अच्छा लगता है कि हर चीज़ वो करें। डिक्रीज एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट, बेटा जब ब्लड में वो एबिलिटी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए कि वो क्लॉट नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हीमोलाइसिस या हीमोफिलिक। लाइसिस हटा दो, सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल का जिक्र होता, थैलेसीमिया में कोई जेनेटिक कम कोई जिक्र होता, हीमोलाइसिस नहीं, हीमोफीलिया वो कंडीशन का नाम होता है, हीमोफीलिया। तो 64 का है बेटा सी। टर्नर सिंड्रोम क्या है बेटा? मेल सेक्सुअल, मेल तो नहीं है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट नहीं, फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट होता है। ठीक है जी, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, सब चैप्टर 7 के हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 66, अ कंडीशन करेक्टराइज बाय स्प्लिट इन द अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ माउथ, इसको याद है आपको क्या कहते हैं बेटा? चैप्टर नंबर 3 में क्लेफ्ट पैलेट या स्प्लिट लिप या हेयर लिप भी कहते हैं। ठीक है जी, स्प्लिट आ जाए, अपर लिप का जिक्र आ जाए, तो इसका मतलब है क्लेफ्ट पैलेट की बात हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो, ये स्प्लिट लिप या गैप इन, ये पूरा जो की पॉइंट है ये आपको याद दिलाएगा किस ऑप्शन की, वो ऑप्शन का नाम है क्लेफ्ट पैलेट, 66 का डी।
66 का डी। ठीक है जी, 67 है बेटा हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन है जो कि वो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट बात है। डिक्रीज क्लॉटिंग एबिलिटी, इंक्रीज या क्लॉटिंग एबिलिटी कम हो जाती? नहीं बेटा, वो तो हेमोफीलिया, या इंक्रीज वो हटा दो। ठीक है जी, एबनॉर्मल सिकल शेप, तो जिक्र आता सिकल सेल एनीमिया का नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा थैलेसीमिया को, तो बचा कौन सा? फ्रेजाइल आरबीसी कॉज हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है जी, फ्रेजाइल आरबीसी कॉज हीमोलाइटिक अनीमिया, ये पूरा की पॉइंट है। ये एक ऐसा की पॉइंट है जो कि मैं एमसीक्यू से के आंसर से सवाल तक पहुंच रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया वो सवाल से आंसर में बताए थे। ठीक है जी, ये पहले मैंने ऑप्शन का आंसर की पॉइंट पूरा सेंटेंस बताया, फिर इस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइक्रोसेफेली? बेटा सेफलॉन मतलब हुई ब्रेन, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो इसका मतलब है स्मॉल स्कल, सिंपल, माइक्रोसेफेली स्मॉल स्कल। ग्रे क्रिसेंट इज प्रेजेंट इन, जरा देखो बेटा, रेटिना ऑफ फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, आई ऑफ फ्रॉग में, ब्रेन ऑफ फ्रॉग में, या जायगोट ऑफ फ्रॉग में? जाहिर सी बात है बेटा, साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था जायगोट में फॉर्म होता है, फिर वो जायगोट से फिर आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि वो नॉर्मल टेडपोल बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक्सपेरिमेंट पूरा हमने पढ़ा था। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 70, द फ्लावरिंग प्रोसेस इज अ डैश रिस्पॉन्स, थिकमोट्रॉपिक? नहीं बेटा, थिकमो का मतलब टच है, फोटो पीरियोडिक, फोटो का मतलब लाइट, पीरियोडिक का मतलब है पीरियोडिक टेबल नहीं है यहाँ पे, एक रेगुलर इंटरवल से किसी चीज़ का चलना अकॉर्डिंग टू लाइट। फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक का आपको मतलब फोटोट्रॉपिज्म, उसमें आपका जिक्र आ गया उसका, किसका? डायरेक्शन ऑफ द लाइट, डायरेक्शन टूवर्ड्स है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट है ग्रोथ हो रही है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, या ग्रेविट्रॉपिज्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो, जो फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है बेटा, उसका डायरेक्शन से ताल्लुक नहीं, उसका ईयर से ताल्लुक है। ईयर का मतलब बोले तो हो गया आपका फोटो, ईयर का मतलब बोले तो हो गया पीरियड या इंटरवल। ठीक है जी, तो इसमें फिर जिक्र आ गया फोटो पीरियोडिक का, तो ये फ्लावरिंग का उन्होंने पूछा है ना, तो फ्लावरिंग जो है वो अपने हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से होती है। ठीक है जी, तो जो फ्लावरिंग प्रोसेस है ये ईयरली वाइज जो भी, उसका एक रेगुलर इंटरवल होता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या टच का या ग्रेविटी का। ठीक है जी, या डायरेक्शन से इसका लिंक नहीं है, फोटो पीरियोडिक इसका आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा ये एंड हो गया, इसको भी एडिट कर देता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बेटा ये एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, मैं ये सब सेंड कर दूंगा अलॉन्ग विद आंसर कीज। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखना प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन, अल्लाह हाफिज़।